आरसीए चुनाव से जुड़ी इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। सबसे पहले ये बड़ी खबर आपको बताते हैं। दरअसल राजेंद्र नांदू गुट का एक बड़ा ऐलान सामने आया है, सभी प्रत्याशी नाम वापस लेंगे। ऐसे में निर्विरोध ये आरसीए का चुनाव हो सकता है। तो एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, वैभव गहलोत निर्विरोध चुने जा सकते हैं। उसके बाद ये तय मानी, क्योंकि ये बात बहुत यहां पर ऐलान हो गया है, ऐसी जानकारी मिल रही है कि जो राजेंद्र नांदू गुट है वो सभी प्रत्याशी अपना नॉमिनेशन वापस लेंगे। तो जो तस्वीरों में आपको दिख रहे हैं वैभव गहलोत, इनका रास्ता काफी हद तक साफ, निर्विरोध चुने जा सकते हैं। आरसीए का चुनाव निर्विरोध हो सकता है, एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि बाकायदा नॉमिनेशन फाइल हुआ था, उसके बाद में पूरा प्रोसेस चल रहा है। आशुतोष शर्मा हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइव कनेक्ट हो गए, उनसे बातचीत करते हैं। आशुतोष, एक बहुत बड़ी खबर है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। क्योंकि अगर नाम ही वापस ले लेंगे सभी तो बचेगा कौन? बचेंगे अकेले वैभव गहलोत, उनका रास्ता साफ। देखिए, बिल्कुल राजस्थान की क्रिकेट जगत से बहुत बड़ी खबर है और कह सकते हैं कि क्रिकेट के लिए, खिलाड़ियों के लिए बहुत सुखद खबर है कि जो नाम वापसी हुई है। और देखिए, बहुत सालों बाद ऐसा देखने को मिला है कि आरसीए के चुनाव निर्विरोध तरीके से उनका जो अध्यक्ष है या तमाम जो दूसरे प्रत्याशी हैं उनको चुना जाएगा। मेरे साथ में राजेंद्र नांदू गुट है जिन्होंने नाम वापसी लिया है, सीधे उनके साथ जुड़ेंगे। आप तो अध्यक्ष पद के लिए लड़ रहे थे, वैभव गहलोत के सामने लड़ रहे थे, आखिर क्या कारण रहे कि नाम वापसी ले लिए गए? इस संबंध में आज हमारी सारे ग्रुप वालों की मीटिंग हुई, जिसमें हमने सर्वसम्मति से ये क्रिकेट हित में ये निर्णय लिया है कि हम लोगों ने अपने नामांकन वापस लिए हैं। आज सुबह हमारी इस विषय में सीपी जोशी साहब से वार्ता हुई और उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि जो हमारे जो पांच जिले विशेष रूप से गंगानगर, नागौर और ये अलवर, भरतपुर और धौलपुर, इनके साथ जो अन्याय हो रहा था, खिलाड़ियों के साथ जो अन्याय हो रहा था, वो आगे से नहीं होगा और वो हमारा सहयोग करेंगे। और हम खिलाड़ियों के लिए लड़ रहे थे ये इलेक्शन, ताकि खिलाड़ियों के साथ जो उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा था और जो उनका हक मारा जा रहा था, वो हक उनको मिले। तो आप कल मिला के कल किसी तरह की चुनाव प्रक्रिया की जरूरत नहीं है, एजीएम की जा सकती है कल? हाँ, कल एजीएम होगी और ना चुनाव प्रक्रिया की जरूरत नहीं है। और इसके लिए पूरी का नाम, हम ये नहीं चाहते थे भी इलेक्शन कोर्टों में जैसे लड़ा जाए, ग्राउंड पे लड़ा जाए, ये जो क्रिकेट है जो ग्राउंड में खेला जाए, ग्राउंड पे लड़ा जाए, इसके लिए हमने ये जो निर्णय लिया है। और इसके लिए वैभव गहलोत जी की पूरी टीम को और वैभव गहलोत जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, हम सब साथ मिल के काम करेंगे। आजम पर आ चुके हैं आप सब, शत्रुघ्न तिवारी मेरे साथ मौजूद है। आपका तो नामांकन खारिज किया था, आपके अंदर गुस्सा भी था इस बात का, लेकिन ये अचानक से पासा पलट कैसे गया? देखो, वो मेरा व्यक्तिगत मामला था, गुस्सा आना स्वाभाविक है, क्योंकि किसी बरसों बाद कोई आदमी इतनी मेहनत करके यहाँ तक आता है, फॉर्म भरता है, लेकिन मैंने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ त्याग के राजस्थान क्रिकेट संघ के हित में और सभी खिलाड़ियों के हित में निर्णय लिया है कि मेरा नामांकन खारिज हो कोई बात नहीं, लेकिन खिलाड़ियों नुकसान ना हो, जिलों को नुकसान ना हो, इसलिए मैं इन सब गुस्सों को तो त्याग के क्रिकेट हित में हम लोगों ने निर्णय लिया और हम एक जाजम पैती थी जिले साथ हैं। कुछ और भी चेहरे हैं हमारे साथ में, ये बहुत बड़ी बाजी पलट गई है आरसीए की और ऐसा बहुत सालों बाद देखने को मिल रहा है कि निर्विरोध चुन लिए जाएंगे आरसीए के तमाम पदाधिकारी खिलाड़ियों के हित में, क्योंकि गंगानगर, नागौर, धौलपुर, भरतपुर और आपके अलवर, यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी दिए हैं, इंडिया 19 खेले हैं और उन खिलाड़ियों का एक राजनीतिक तहत मतलब नुकसान हो रहा था। और जब ये सभ्य खेल है तो इसमें किसी तरह की राजनीति हम नहीं चाहते थे और इसमें हमारे पहल की हमारे नेतृत्व कर रहे नांदू जी ने, मुकेश जी ने, इन्होंने पहल कर करके और इसको अमली जामा जो पहनाया माननीय सीपी साहब से बात तालाब करके, और आज ये सारे फार्म क्रिकेट के हित में वापस लिए गए, क्रिकेट अच्छी चले, जिलों में अच्छा विकास हो, इसी है। चतुर्दन जी हमारे साथ हैं, आप तो खुद खिलाड़ी रहे हैं, खुद खेलते नजर आए थे, कितना नुकसान हो सकता था इस तरीके से जब जो बाजी है बार बार कोर्ट में जाती दिखाई देती थी, आरसीए की जो किसी तरीके की चुनाव की जो प्रक्रिया है वो बार बार कोर्ट में जाती थी, खिलाड़ियों का नुकसान होता था, खेल का नुकसान होता था? बिल्कुल नुकसान होता था, क्योंकि जो आरसीए के पदाधिकारी थे या डीसी पदाधिकारी, बजाय ग्राउंड की तैयारी करने से, कैसे ग्राउंड रहेंगे, खिलाड़ियों की क्या कोचिंग रहेगी, क्या प्रैक्टिस, उसकी बजाय कोर्टों में चक्कर लगा रहे हैं, वकीलों के चक्कर लगा रहे हैं, ऑफिसों में बैठ रहे हैं
वकीलों के, तो उस चीज सबको खत्म करके हमने चाहा कि भाई अब बहुत हो चुका, राजस्थान क्रिकेट के लिए बहाली के लिए सब एक हों और ग्राउंड पर क्रिकेट को लाएं बजाय कोटों से, नुकसान सबका हो रहा है चाहे हम लोग हों चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, तो उस चीज़ को खत्म करके हमने क्रिकेट की बहाली के लिए निर्णय लिया है कि हम सब एक साथ हैं, जो पदाधिकारी जीते हैं जो पदाधिकारी बने उन सबके लिए मेरे बधाई शुभकामनाएं, वो क्रिकेट की बहाली के लिए अच्छा काम करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है सी पी साहब के नेतृत्व में राजस्थान क्रिकेट संघ भैरव जी नेतृत्व में अच्छा कार्य करेगा। एक बड़ा सवाल मन में ये आ रहा है कि जो सबसे ज्यादा चेहरा यहाँ दिखाई दे रहा था, सबसे बड़ी लड़ाई जो लड़ रहा था राजेंद्र नांदू, बार बार कहा जा रहा था कि राजेंद्र नांदू गुट, वो राजेंद्र नांदू यहाँ पर मौजूद नहीं है आज। पहली बात तो आपको बता दूं अब कोई गुट नहीं है और कोई गुट नहीं होता, सिर्फ लोग प्रत्याशी लड़ते हैं, एक तो अंतरात्मा की बात होती है कोई किसके साथ होता है, कोई गुट नहीं है। नांदू जी सीनियर खिलाड़ी आदमी थे व्यक्ति थे इसलिए उन्होंने नाम गुटे, उनकी अभी तबीयत खराब है वो घर पर आराम कर रहे हैं और बहुत जल्द आपके बीच होंगे। तो फिलहाल राजस्थान क्रिकेट संघ से सबसे बड़ी खबर यह है कि यहाँ पे एक बड़ा फैसला लिया गया है, वैभव गहलोत गुट के सामने चुनाव लड़ने वाले राजेंद्र गुट के तमाम पदाधिकारियों तमाम प्रत्याशियों ने अपने नाम वापस ले लिए हैं और कल चुनाव प्रक्रिया नहीं होगी, संभवतः किसी तरह की चुनाव प्रक्रिया नहीं होगी, एक AGM बुलाई जाएगी जिसको एनुअल जनरल मीटिंग कहा जाता है वो बुलाई जाएगी और उसमें एक जाजम पे तमाम जो जिला क्रिकेट संघ है वो इकट्ठे होंगे और अपना अध्यक्ष और अपने जो तमाम जो दूसरे प्रत्याशी हैं उनको चुनते हुए दिखाई देंगे। देखिए बहुत गहमा गहमी होती है आमतौर पर राजस्थान क्रिकेट संघ के चुनावों में, कभी जो मसला है जो गेंद जो है वो कोर्ट तक चली जाती है, कभी आपसी झगड़े दिखाई पड़ते हैं, अलग अलग गुट बन जाते हैं। ये तो कहा जा रहा है इनके तरफ से, इनके तरफ से बहुत साफ साफ कहा जा रहा है कि कोई गुटबाजी नहीं है, सब चीजें मिलकर आगे बढ़ेंगी, जेंटलमैन्स गेम है तो हम नहीं चाहते कि इसमें कोई पॉलिटिक्स हो, लेकिन जब इतना ही सब कुछ था तो इनकी अंतरात्मा की आवाज अब इनको क्यों सुनाई दी, पहले क्यों नहीं नॉमिनेशन पहले फाइल क्यों किया था, क्या सोच के किया था, अब अचानक से सब कैसे उल्टी गंगा बहने लगी। देखिए आज नामांकन आज जो था नाम वापसी का दिन था, विथड्रॉल का दिन था और उससे पहले सब कुछ वही नजर आ रहा था जो कि आमतौर पर RCA के चुनाव में नजर आता है, यानी कि दो गुट, वैभव गहलोत गुट और राजेंद्र नांदू गुट। लेकिन इसमें अभी तक जो जानकारी में सामने आ रहा है सबसे बड़ी भूमिका निभाई है RCA के जो संरक्षक है, मुख्य संरक्षक जो है CP जोशी, वो विधानसभा अध्यक्ष भी है, तो CP जोशी की बहुत बड़ी भूमिका इसके अंदर बताई जा रही है। उनका जो उद्देश्य था कहीं ना कहीं उनका वो ये चाहते थे कि किसी भी तरीके से राजस्थान का जो क्रिकेट है और राजस्थान के जो तमाम खिलाड़ी हैं उनका नुकसान ना हो, बार बार ये जो चीजें कोर्ट में चली जाती वो सब ना हो, RCA की जो तमाम प्रोग्रेस है वो मैदान के अंदर रहे, RCA के खेल को मैदान में खेला जाए, ये सबसे बड़ी कोशिश थी CP जोशी की जो कि RCA के मुख्य संरक्षक है। तो लगातार उनकी तरफ से संवाद किया गया पूरी टीम के साथ में और अब ये बड़ा निर्णय अपने आप में लिया गया है कि चुनाव की जो प्रक्रिया है वो नहीं होगी और निर्विरोध RCA का चुनाव है वो होता हुआ दिखाई देगा। ये RCA अध्यक्ष वैभव गहलोत के लिए, उनके तमाम जो दूसरे प्रत्याशी उन सबके लिए बहुत बड़ी अच्छी और सुखद खबर है कि अब भविष्य में किसी भी तरीके से कि ये जो गेंद है जो बार बार कोर्ट में चली जाती थी संभवतः वहां जाती हुई दिखाई नहीं देगी। बड़ा सवाल हालांकि ये यहां पे सामने निकल के आता है कि राजेंद्र नांदू यहां पे दिखाई नहीं पड़ रहे हैं तौर पर, और बताया ये भी जा रहा है आशुतोष उनकी तबीयत खराब है इसलिए वो दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन बड़ी चीज ये है कि वैभव गहलोत का रास्ता बहुत स्पष्ट हो गया, बहुत क्लियर हो गया है, अब कोई कैंडिडेट उनके सामने नहीं है सो दैट वो अब निर्विरोध चुने जा सकते हैं। ये अपने आप में इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर आपने बताई, बहुत शुक्रिया आशुतोष इन तमाम जानकारियों के लिए। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।